हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल डियर बालाजी क्लासेस बाय बालाजी सर। मैं अनुपम सर आपके अपने चैनल डियर बालाजी पर स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास टेंथ वाले। कल मैंने पांचवें पार्ट वीडियो को डाला था और जो कि 2016 से लेकर के 2020 तक के सारे प्रश्नों का श्रृंखला था। अच्छा, जो ये क्वेश्चन थे वो थोड़े से टफ थे और टफ क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया, इतना अच्छा जवाब दिया है कि मैंने कई लड़कों के आंसर को चेक किया, बहुत ही बढ़िया जवाब था। तो मुझे ये आशा है कि आप ज़रूर देख रहे हैं। अगर आप वीडियो उस वक्त ना देख पाएँ, नेट ना चलता हो, तो आप रहने दें, उसे बाद में देख लिया करें। हो सके लाइव हो, 99% लाइव होने का वो करें, क्योंकि लाइव में ये रहता है कि आप पढ़ लेते हैं और आपको जो जवाब देते हैं, जो फीडबैक देते हैं, उससे हमें एक फीडबैक पता चलता है कि आपकी कितनी तैयारी हो रही है। तो हो सके तो अधिक से अधिक लाइव आने का प्रयास करें, ठीक है ना। अधिक से अधिक लोग लाइव आने का प्रयास करें। हम आज बहुत ही बड़ा धमाका करने वाले हैं। 2011 से मैं शुरू कर रहा हूँ। सभी लोग एक एक प्रश्नों का जवाब देना शुरू करें, आपका दिल खुश हो जाएगा। मैं एक एक क्वेश्चन, अच्छा कई क्वेश्चन चैलेंजिंग आंसर मैं दे दे रहा हूँ, उसको जरूर करके लाइएगा। चलिए शुरू करते हैं, जरा सभी लोग जवाब देना चालू करें, ठीक है। 2011 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। 2011 के पार्ट को आप ही के कहने पर मैंने लेकर आया है, ठीक है। पहला पार्ट दिया गया है, ठीक है ना। 2011 का मैं पहला पार्ट, ए वाले पार्ट का, ठीक है। इसमें कितने मीनिंग्स हैं? इसमें तीन तीन मीनिंग्स हैं। पहले तीन तीन मीनिंग्स आते थे, अब डबल डबल हुए हैं। तो मैंने इसलिए इसको कराना चाहा क्योंकि इसमें कुछ मीनिंग ऐसे हैं जो कि आप नहीं जान रहे, इसीलिए मैंने जो है इसको कराने का प्रयास किया है, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं एक नए आगाज के साथ। पहला वाला 99% जानते हैं। अगर 99% बच्चे नहीं जानते तो रुक जाओ, मैं बता दे रहा हूँ क्या चीज़ होगा। यहाँ पर क्या लिखा है? ई लिखा है, फिर लिखा है एक्स, फिर खाली है यम आई एन ए टी और लिखा है आई और खाली है एन लिखा है। तो आपको इसी को भर के बताना है कि यहाँ पर क्या होगा, ठीक है ना। तो सभी लोग कमेंट करें। कई बच्चों का बहुत अच्छा कमेंट आता है, ई एक्स ए एम आई एन ए टी आई ओ एन, एग्जामिनेशन। क्या चीज़ है? एग्जामिनेशन है। ई एक्स ए एम आई एन ए टी आई ओ एन, एग्जामिनेशन। क्या है ये? एग्जामिनेशन। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 2011 का पहले का पहला पार्ट, ए का पहला पार्ट, सबको समझ में आया? वेरी गुड। चलिए सेकेंड पार्ट की तरफ देखिए, आर खाली है, ठीक है, फिर लिखा है एस ई एम, फिर लिखा है बी एल, फिर खाली है, फिर लिखा है यस, ठीक है। आपको जवाब देना है, आपको भरना है कि आखिर यहाँ पर भरा क्या जाएगा। सभी लोग जवाब देना शुरू करें। स्टार्ट सेल यू स्टार्ट नाउ, आप शुरू हो सकते हैं, आप जवाब देना चालू करिए। जी वेरी गुड, लाजवाब आंसर, लाजवाब जवाब। आपका कमेंट बहुत अच्छा लगता है पढ़ करके, जब आप लाइव कमेंट देते हैं, लाइव पढ़ते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है कि इससे ये पता चलता है कि आपकी स्पेलिंग मजबूत हो रही है। तो आर ई एस ई एम बी एल ई एस, रिसेम्बल्स। क्या होगा यहाँ? रिसेम्बल्स। क्या होगा यहाँ? रिसेम्बल्स। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ए का थर्ड पार्ट चलते हैं। ए का थर्ड पार्ट 99 बच्चे जानते हैं, एम है, खाली है, पी एच ई है, एम ए टी आई सी, फिर खाली लिखा है। जरा सभी लोग जवाब दें, सभी लोग कमेंट करें। जी हाँ, मैंने ए भर दिया। जी यम ए, यहाँ खाली भरना था, एम ए टी एच ई एम ए टी आई सी एस, मैथेमेटिक्स, मैंने ए भर दिया है, ठीक है ना। यहाँ टी एच है, यहाँ टी एस सी है, मैंने ए भर दिया है, तो मैथेमेटिक्स। ये क्या होगा? मैथेमेटिक्स होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए जी आगे चलते हैं। जी यहाँ क्या लिखा है? सी ओ एल, दो बार खाली है, जी ई। तो कहाँ पर आप इस समय कहाँ पे हैं मौके पे, ठीक है? तो आप कहेंगे घर पे, लेकिन आप जाते कहाँ हैं? कॉलेज में। कहाँ जाते हैं? कॉलेज में। सी ओ डबल एल ई जी ई, कॉलेज। सी ओ डबल एल ई जी ई, कॉलेज। अच्छा, कई लोग ए भर देते हैं, गलती ऐसा ना करें। सी ओ डबल एल ई जी ई, कॉलेज होगा। स्पेलिंग को सीखें, हमसे सीखें, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे यहाँ क्या दिया है? एन दिया है, डबल वाल खाली है, टी एच ई आर है। बताइए, जवाब करिए, फटाफट जवाब करिए, सभी लोग जवाब करिए। प्यारा सा कमेंट करें, वीडियो पसंद आया है लाइक करें, मज़ा आ जा रहा है। वेरी गुड, एन आई ई टी एच ई आर, नाइदर। एकदम धुआं धुआं कर दीजिए, एक एक प्रश्नों को धुआं धुआं कर दीजिए, एक एक प्रश्न आपको आना चाहिए। घबराइए नहीं, स्पेलिंग का आज लास्ट वीडियो है। कल मैं पास्ट पार्टिसिपल का लेकर आ रहा हूँ, तीनों फॉर्म लेकर आ रहा हूँ।
तीनों फॉर्म में स्पेलिंग बहुत है, भरमार है, आप नहीं पढ़ पाएंगे अकेले, लेकिन मेरे वीडियो के हिसाब से आप मेरे साथ अगर पढ़ना चाहेंगे तो मेरा ये चैलेंज है, एक छोटे छोटे पार्ट्स को मैं करके 15-15, 20-20 मिनट करके मैं आपकी स्पेलिंग को, जब हमारी बातों को ये सुनते हैं ना, अगर कम सुनाई पड़ रहा हो तो लीड लगा लीजिए, सुनेंगे आपके माइंड में याद हो जाएगा, आपको एक बर्डन कम हो जाएगा, याद नहीं करना पड़ेगा, मैं खुद अपने साथ याद करवा दे रहा हूँ, खुद याद करने बैठेंगे बोझा सा लगेगा, हम हमारे साथ पढ़ेंगे अच्छा लगेगा, तो लगे रहिए, मैं पूरा रटवा दूंगा, एक एक पॉइंट रटवा दूंगा, बस 7 बजे डेली लाइव, 7 बजे डेली लाइव, बस यही एक चीज याद रखिए, 7 बजे डेली लाइव, दोस्तों को कहिए, आप प्रत्येक दिन दोस्तों को जोड़ा करें, प्लीज हेल्प करें, ये तब तक करिए जब तक 100 बच्चे ना आने लगे लाइव। चलिए शुरू करते हैं, ये हो गया नाइदर होगा, ठीक है। यहाँ पर एक बहुत स्पेलिंग टफ है, ये है यन लिखा है, भी लिखा है, फिर खाली है, एल ओ पी लिखा है, कुछ बच्चे तो जान चुके हैं, जो नहीं जाने हैं उन्हें बताने का मैं प्रयास करता हूँ, चलिए मैं बताता हूँ यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा ई एन भी ई एल ओ पी इनवेलप होगा, ई एन भी ई एल ओ पी इनवेलप, इनवेलप मतलब होगा लिफाफा, ई एन वी ई एल ओ पी क्या होगा, इनवेलप, इनवेलप मतलब क्या होगा, लिफाफा, तो मुझे आशा है और विश्वास है आपको जरूर समझ में आ रहा है, तो पहले का ए का तीनों पार्ट और बी का तीनों पार्ट हो गया। चलिए आगे चलते हैं, आगे यहाँ लिखा है सी का, जी लिखा है, आर लिखा है, ए लिखा है, खाली है, दो बार खाली है, आर लिखा है, तो आपको पता होना चाहिए, देखो कितने अच्छे कमेंट आ गए, बहुत अच्छा, वेरी गुड, जी आर ए डबल एम ए आर ग्रामर, जी आर ए डबल एम ए आर, ठीक है, ग्रामर क्या हो गया, जी आर ए डबल एम ए आर, सी का पहला राइट आंसर, ठीक है। फिर यहाँ क्या दिया है, ए 99% बच्चे करेंगे, देखना हर एक का जवाब सही जाएगा, ये क्या है, इसका मतलब क्या चीज़ होता है, क्या भर दें इसमें, बहुत बढ़िया, ए डबल पी एल आई सी ए टी आई एन एप्लीकेशन, ए डबल पी एल आई सी ए टी आई एन एप्लीकेशन, बहुत अच्छा, कितना बढ़िया कर ले जा रहे हैं आप कोर्स, बहुत अच्छा, लाजवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, आगे क्या दिया गया है, एस यू डबल एफ है, फिर दो बार खाली है, आई एन जी है, तो क्या होगा, एस यू डबल एफ, वेरी गुड, लाजवाब, राइट आंसर, एस यू डबल एफ ई आर आई एन जी, सफरिंग, एफ यू डबल एफ ई आर आई एन जी, सफरिंग, यहाँ क्या हो जाएगा, सफरिंग, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, आगे आगे देखते हैं, सी का भी तीनों पार्ट हो गया, चलिए डी का शुरू करते हैं, डी में आर लिखा है, दो बार खाली है, जी लिखा है, यन लिखा है, बताइए क्या होगा, बताइए क्या होगा, जी बोले, जी वेरी गुड, आर ई आई जी एन, रिग्न, आर ई आई जी एन, रिग्न माने होता शासन काल, शासन काल, ठीक है। ये वाला क्या होगा, यहाँ क्या लिखा है, चलिए आगे जवाब दीजिए सभी लोग, डी ई सी, दो बार खाली है, वी ई, तो यहाँ क्या भरा जाएगा, जवाब मारिए, वेरी गुड, ई आई वी, डी ई सी ई ई आई वी, यहाँ ई आई भरा जाएगा, पहले वाले वीडियो में जाइए, रूल को देखिए, पहले दूसरे तीसरे में मैंने नियम पढ़ाया है, पार्ट नंबर 1 में, पार्ट नंबर 2 में, पार्ट नंबर 3 में मैंने नियम बताया है, पार्ट नंबर 4 और 5 नियम बताने के बाद मैंने टेस्ट भी कराया, उसमें पार्ट नंबर 4 बम्पर टेस्ट है, पार्ट नंबर 5 बम्पर टेस्ट है, और पार्ट नंबर 6 भी क्या है, बम्पर टेस्ट है, ठीक है। पूरे क्वेश्चन को मैंने ले लिया है, डिसीव, यहाँ क्या होगा, डिसीव माने धोखा देना, ठीक है। आगे वाला जवाब, आगे क्वेश्चन का भी जवाब आने लगा, एल ए डब्ल्यू वाई खाली क्या है, आर है, तो बोलिए क्या होगा, सभी लोग जवाब मारिए, जी एल ए डब्ल्यू वाई ई आर, एल ए डब्ल्यू वाई आर लायर, एल ए डब्ल्यू वाई आर लायर, एल ए डब्ल्यू वाई आर लायर, लायर माने क्या होता है, वकील, लायर मतलब क्या होता है, वकील। चलिए आगे चलिए, जी जी बताइए, ई का पहला यहाँ क्या होगा, सी ओ एल खाली है, एन खाली है, यल, ठीक है ना, बताइए क्या होगा, जी सभी लोग कमेंट करिए, इसका चैलेंज कर रहे हैं, कमेंट करिए सभी लोग, जी जी ठीक है, ये चैलेंजिंग में है, इसका जवाब सभी लोग खोज करके देखना देना, अभी एक जवाब नहीं दिए हो, वो भी जी, दोनों का जवाब दे, कल वाला क्वेश्चन का जो मैं छोड़ा था एस पी और वो छोड़ करके, द स्पेलिंग स्पाउस था, एस पी ओ यू एस ई, मैंने तो बता दिया आंसर स्पाउस, इसका सभी लोग बताइएगा जी। चलिए ये ई का पहला, चलिए आगे चलते हैं, यहाँ क्या लिखा है, टी एच आर वाई, क्या होगा इसका जवाब बताइए, क्या होगा,
ई ओ आर वाई थ्योरी, थ्योरी जी देखो इसका जवाब आने लगा, थ्योरी होगा, क्या होगा थ्योरी, टी एच ई ओ आर वाई थ्योरी, क्या होगा थ्योरी। चलिए आगे चलते हैं, वी ए सी दो बार खाली और क्या लिखा है यम, जवाब दीजिए सभी लोग, जवाब दीजिए सभी लोग, वी ए वेरी गुड वैक्यूम, वी ए डबल सी यू एम वैक्यूम, ठीक है ना वैक्यूम, वी ए डबल सी यू एम वेरी गुड, सी यू भरा जाएगा वैक्यूम होगा। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है ई का भी तीनों पार्ट हो गया, लेकिन पहला वाला पार्ट मैंने नहीं बताया है, आपको दिया है ठीक है, ए डबल टी खाली एन टी ओ एन, क्या होगा इसका, इसका क्या होगा जरा सभी लोग जवाब दीजिए, इसका क्या होगा ए डबल टी ई एन टी आई ओ एन अटेंशन, क्या होगा ए डबल टी, ए डबल टी ई एन टी आई ओ एन अटेंशन, क्या हो जाएगा अटेंशन जी, वेरी गुड। आगे चलिए सी ओ डबल एम खाली डबल टी खाली ई, क्या भर दें यहाँ पर सी ओ डबल एम जी, सी ओ डबल एम आई डबल टी आई ई, डबल टी डबल ई कमीटी, सी ओ डबल एम आई डबल टी डबल ई होगा, डबल टी डबल ई होगा कमीटी, क्या होगा कमीटी, कोई दिक्कत नहीं है, सी ओ डबल एम आई डबल टी डबल ई होगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, थर्ड वाले पार्ट पे चलते हैं, क्या लिखा है ए बी एस खाली खाली और यू टी ई, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा ए बी एस जी एल ओ यू टी एब्सोल्यूट, ए बी एस एल ओ यू टी एब्सोल्यूट, क्या हो जाएगा एब्सोल्यूट हो जाएगा, क्या हो जाएगा एब्सोल्यूट। आगे चलते हैं यस टी खाली ओ एन, जवाब मारिए सभी लोग, एकदम सिंपल सा, कितना गजब जवाब दे दिए, एस टी ए टी आई ओ एन स्टेशन, एच टी ए टी आई ओ एन स्टेशन, क्या हो जाएगा स्टेशन। आगे चलते हैं एच है खाली है एल है खाली है, क्या होगा इसका जवाब आंसर, क्या होगा एच ओ एल ई होल, होल माने क्या होता है छिद्र या छेद, होल हो जाएगा यहाँ, क्या हो जाएगा होल हो जाएगा, क्या हो जाएगा होल, वेरी गुड। आगे चलते हैं एल ई खाली है फिर खाली है आर है, ठीक है एल ई खाली है फिर खाली है क्या है आर है, तो एल ई डबल टी ई आर लेटर, क्या हो जाएगा एल ई डबल टी ई आर, क्या हो जाएगा लेटर, एल ई डबल टी ई आर, क्या हो जाएगा लेटर, वेरी गुड। तो 2011 कैसा लगा, पसंद आया मज़ा आया, लाइक करें सभी लोग, लाइक करें सभी लोग, एक कमेंट करें अगर अच्छा लगा है, सभी लोग कमेंट करें, जितने लोग देख रहे हैं लाइव सभी लोग कमेंट करें, एक कमेंट करें आप लोग, वेरी गुड वेरी नाइस, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर ऑल माई स्टूडेंट। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या दिया गया है, आगे हम 2012 पे आ गए, 2012 फिर 2013, चलिए 2012 पे आ गए हम, 2012 लेके चलते हैं, ठीक है ना, 2012 का ए का चालू करते हैं, ए वाले में क्या भरा जाएगा सभी लोग ध्यान से देखिए जी, सभी लोग ध्यान से कमेंट करिए जी, यहाँ क्या लिखा है आई एम पी, आई है यम है पी है खाली है आर टी फिर खाली है एन टी, बताइए क्या भरा जाएगा बताइए जी, इम्पॉर्टेंट आई एम पी ओ आर टी एन टी इम्पॉर्टेंट, क्या हो जाएगा इम्पॉर्टेंट, वेरी गुड राइट आंसर। आगे चलिए क्या लिखा है जी लिखा है जी दो वाल खाली है एल टी वाई, क्या होगा यहाँ पर क्या होगा जी जी यू आई एल टी वाई गिल्टी, जी यू आई एल टी वाई होगा गिल्टी, गिल्टी माने तो अपराधी, क्या होता है अपराधी। चलिए आगे चलते हैं, ए का पहला पार्ट हो गया, बी का इंटेलिजेंट आई एन, ये तो बता दिया मैंने टी ई डबल एल आई जी ई एन टी इंटेलिजेंट, यहाँ क्या भरा जाएगा इंटेलिजेंट, यहाँ क्या भरा जाएगा बी है खाली है यल है खाली है और क्या है डब्ल्यू है, क्या भरा जाएगा यहाँ पर जवाब दीजिए, जवाब दीजिए बीलो बी ई एल ओ डब्ल्यू बीलो, क्या भरा जाएगा बी ई एल ओ डब्ल्यू बीलो, बीलो माने क्या होता है नीचे, बीलो मतलब क्या होता है नीचे, बीलो मतलब क्या होता है नीचे। आगे क्या लिखा है टी ओ एन जी खाली है, कई बार करवा चुके हैं ठीक है एकदम, यू ई टंग, टंग माने क्या होता है जीव, टंग माने क्या होता है जीव, टंग माने क्या होता है जीव। चलिए आगे चलते हैं, टंग हो गया ये तो हो चुका है ग्रामर, जी आर ए डबल एम ए आर, जी आर ए डबल एम ए आर ठीक है, यहाँ पर एस है यस दो बार खाली है जी ई है, तो इसका क्या होगा जी, इसका क्या होगा यस ओ यू जी ई होगा,
एस ओ यू जी ई होगा, सोग जी, यहाँ क्या होगा एस ओ यू जी ई जी, वेरी गुड। और भी इसमें कुछ भरा जा सकता है, जरा उसको कमेंट करिएगा, हमने एक भर के बताया है। चलिए आगे चलते हैं, ये वाला भरा ही जाएगा आपका, ट्वेल्थ होगा, हमने भराया है इसके पहले वाली वीडियो में, ट्वेल्थ भराया टी डब्ल्यू ई एल वी टी एच, यहाँ क्या भरा जाएगा खाली स्थान पे, यहाँ भरा जाएगा वी, ठीक है। यहाँ ग्रामर अभी हुआ है, ग्रामर अभी हुआ है, ये वाला पार्ट था ग्रामर का हो गया है, ठीक है। ये वाला भरी ले जाओगे ओ, ठीक है, यहाँ पे भरना तुमको ओ आर डी आई एन, एक बार दो बार तीन बार खाली है, कितनी बार खाली है तीन बार खाली है, ओ आर डी आई एन ए आर वाई, ऑर्डिनरी हो जाएगा ना, ऑर्डिनरी। यहाँ पर बिलीव वी ई एल आई ई वी ई, ठीक है, वी ई, ठीक है, एल दो बार खाली है वी ई, जरा यहाँ आई ई भरा जाएगा, बिलीव वी ई एल आई ई वी ई, बिलीव, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पर भरा ही जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर जी, फ्रीडम यफ खाली है ई, फिर खाली है डी, फिर खाली है यम, तो यहाँ हो जाएगा एफ आर डबल ई डी ओ एम, फ्रीडम, क्या हो जाएगा फ्रीडम जी, वेरी गुड जी। आगे चलिए, आगे चलते हैं, यस है खाली है, यम है खाली है, ओ है खाली है, क्या भरा जाएगा बताइए जी, जी मन तो कह रहा है इसको भी चैलेंजिंग में दे दें, बताइए। अरे सब लोग गलत कर रहे हो यहाँ पर, यस यू चैलेंज में दे दे क्या, यस यू डबल एम ओ एन सम्मन होगा, यस यू डबल एम ओ एन सम्मन होगा, यस यू डबल एम ओ एन सम्मन होगा यहाँ पर जी, इसीलिए कहते हैं स्पेलिंग, देखिए स्पेलिंग बहुत गलत हो रही है, एक दो गलत हो जा रही है अब, ठीक है। तो ये यूपी बोर्ड 11th 2011 हो गया, 2012 हो गया, 2012 आया तो उनमें सब कुछ कराया गया है यार, केवल एक रिपीट कर दे रहे हैं बस, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चलिए जी, जो नहीं आएगा उसी को लिख के बताएंगे, वरना जी पहला वाला क्या है, सी ओ एल फिर खाली है यल, फिर खाली है यल, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए जी, इसी को तो हम दिए हैं उसमें जी, करके बताइएगा। हाँ यहाँ क्या हो जाएगा, टी दो बार खाली, टी आई ओ एन, क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टी यू आई, यू आई भरा जाएगा, ट्यूशन, टी यू आई टी आई ओ एन ट्यूशन, क्या हो जाएगा ट्यूशन, ठीक है ना। अच्छा ये वाला आप भरे हैं, क्या हो जाएगा, सभी लोग जवाब करें, वेरी गुड, सभी का जवाब आ रहा है, ठीक है, ऐसे लाइव डेली रहा करें जी, जी क्वेश्चन होगा, वेरी गुड लाइक आंसर, ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू ऑल स्टूडेंट, क्वेश्चन जी जी वेरी गुड। इसके बाद इसमें क्या होगा, ये भी मैंने करवाया है, वी ए दो पार्ट खाली है, दो बिंदी लगा है ना, तो दो चीज़ भरना है, तो वैकेशन, वी ए सी ए टी आई ओ एन, वैकेशन, क्या होगा यहाँ पर वैकेशन, क्या होगा यहाँ पर वैकेशन, वेरी गुड। सी का पहले का जवाब दीजिए सभी लोग, सभी लोग जवाब दीजिए, अब करवाना नहीं, अब तो आ गया तुम लोग को जी, इंपॉर्टेंट होगा, वेरी गुड, आई एम पी ओ आर टी एन टी, इंपॉर्टेंट, सबका आने लगा जवाब। ये वाला भी मैंने स्टार्ट में पहले करवाया था, क्या होगा गिल्टी, जी यू आई एल टी वाई, गिल्टी मैंने भराया है, मैंने भराया है जी जी। चलिए यहाँ क्या लिखा है, डी का पहला, डी का पहला और दूसरा दोनों करवाना चाहिए, दोनों करवाना चाहिए जी। चलिए ई लिखा है और एक्स लिखा है, दो बार खाली है, फिर बी आई लिखा है, दो बार खाली है, फिर क्या लिखा आई ओ एन लिखा है ना, तो यहाँ पर आराम से सिंपल शब्दों में ई एक्स एच, ई एक्स एच आई बी आई टी आई ओ एन, एक्सीबिशन, एक्सीबिशन, ठीक है ना, एग्जीबिशन माने वही मेला वेला होता है, प्रदर्शनी, ई एक्स एच आई बी आई टी आई ओ एन, एग्जीबिशन माने प्रदर्शनी या मेला वगैरह हो गया, ठीक है। चलिए चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पर ये वाला दूसरे वाला करना चाहिए, आई एन खाली पी खाली सी टी फिर खाली आर, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा
आई एन एस इंस पी ई सी टी ओ आर इंस्पेक्टर, क्या हो जाएगा यहाँ पर इंस्पेक्टर, कोई दिक्कत नहीं है जी। ई का पहला, ई के पहले में के खाली है, एन खाली है, तो इसका हो जाएगा कैनाल, कैनाल क्या हो जाएगा कैनाल, के ए एन ए एल, ठीक है ना, के ए एन ए एल जी जी आगे इसका जी, इसका भराइए क्या होगा इसका बताइए, आई है खाली है, टी है खाली है, यल है खाली है, आई है खाली है, ई है टी है, इल आई यल आई आई यल इल रेट, यहाँ क्या भरा जाएगा इल रिट रेट जी। आगे चले, आगे चलिए यहाँ, यहाँ पर चलिए क्या हो जाएगा पहला, ठीक है ज़रा मुझे बताइए, 2000 वो हो गया, 2014 देखते हैं, 2014 यस फिर खाली है, आई फिर खाली है, सी ई, तो यहाँ क्या हो जाएगा साइंस हो जाएगा, एस सी आई ई एन सी ई, एस सी आई एन सी ई क्या हो जाएगा साइंस हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या भरा जाएगा ल्यूटिनेंट, ल्यूटिनेंट एल आई यू एल आई ई यू टी ई एन ई एन टी ल्यूटिनेंट, मैंने कराया है किसी वीडियो में जाकर देखिए, किसी वीडियो में जाकर देखिए मैंने कराया है जी। मशीनरी 100% सबका हो जाएगा, मशीनरी सबका हो जाएगा, एम ए सी एच आई ई सी एच आई एन ए आर वाई मशीनरी एन ए आर वाई, ये क्या है सभी लोग जवाब करें, सभी लोग जवाब करें, वेरी गुड वेरी गुड बहुत अच्छा, अटेंडेंस अटेंडेंस सभी लोग करने लगे अटेंडेंस, इसका जवाब करिए सी का, क्या हो जाएगा नॉलेज, के एन ओ डब्ल्यू एल ई डी जी, के एन ओ डब्ल्यू एल ई डी जी ई नॉलेज हो जाएगा, वेरी गुड राइट आंसर, इसका जवाब करें 99 बच्चे करें 1% छोड़ करके, हाइट एच ई आई जी एस टी, वेरी गुड मेरे शेर वेरी गुड, हाइट एच ई आई जी एस टी हाइट, डी का ऑप्शन जी, क्या लिखा है डी लिखा है खाली है, ठीक है डी ई भी लिखा है फिर खाली है, टी लिखा है फिर खाली है, ओ एन, तो यहाँ पर भरा जाएगा डिवोशन, डी ई वी ओ टी आई ओ एन डिवोशन, क्या भरा जाएगा डिवोशन, ठीक है यहाँ पर क्या भरा जाएगा डिवोशन, और यहाँ पर एक स्पेलिंग है यहाँ पर सी ओ एन, फिर खाली है सी आई, फिर खाली है एन सी ई, ठीक है ना, तो यहाँ क्या भरा जाएगा कौन साइंस, सी ओ एन एस सी आई ई एन सी कौन साइंस, सी ओ एन एस सी आई एन सी कौन साइंस मतलब होता है हृदय, हृदय स्थल या वक्षस्थल, या क्या होता है वक्षस्थल, तो जो जो टफ मीनिंग था मैंने करवा दिया, ये डिवोशन है अपना और ये कौन साइंस है, ये क्या है कौन साइंस है, ये तो सभी लोग जान रहे हैं, वेरी गुड करवाया है मैंने, मेडिसिन एम ई डी आई सी आई एन ई मेडिसिन, मेडिसिन मैंने इसको कराया है बिलीव, कितनी बार कराऊं भैया प्लीज कर लो अब तो कर लो, ये मैंने कराया है जवाब करिए सभी लोग जी, इंपॉर्टेंट वेरी गुड, ये वाला दोनों एक कही है, गिल्टी गिल्टी जी यू आई एल टी वाई जी यू आई एल टी वाई, ये इंटेलिजेंट, आप इंटेलिजेंट हो और कई बार इंटेलिजेंट लिख चुके हो तो मुझे अब बताने की क्या जरूरत है। चलिए आगे चलते हैं, इसमें से लगभग 2015 लगभग मुझे लगता है 99 बच्चे कर ले जाएंगे। अब कहोगे क्या क्या करना है सर जी, पहला पहला क्या होगा कमेंट मारें, पहला क्या होगा सभी लोग कमेंट मारें, वेरी गुड लाजवाब आंसर फ्रैंक, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने, बहुत अच्छा जवाब दिया, बहुत अच्छा फ्रैंक होगा, करवाया मैंने सभी लोग कमेंट करें, करवाया मैंने, करवाया है कई बार करवाया है जी, देख लीजिए दूसरी बार आइए दूसरे वाले में बताइए, डिसीव माने धोखा खाना, कई बार करवाया, कई बार मैंने करवाया, कई बार मैंने करवाया है, ठीक है। यहाँ पर प्रेयर पी आर ए वाई आर प्रेयर मैंने कई बार करवाया, मैंने क्या किया है कई बार कराया प्रेयर जी। आगे नाइदर मैंने कई बार कराया है, एन ई आई टी एच ई आर नाइदर एन ई आई टी एच ई आर नाइदर, ठीक है। चलिए तीसरा वैक्यूम वी ए डबल सी यू एम वी ए डबल सी यू एम वैक्यूम, ठीक है यहाँ कोलोनल सी ओ एल ओ एन ए एल कोलोनल, क्या हो जाएगा यहाँ पर कोलोनल, मैंने यही छोड़ा था आगे ना और यहाँ पर आंसर मिल गया, मैं जान करके छोड़ा था कोलोनल सी ओ एल ओ एन ए एल कोलोनल, तो ये ख़त्म हो गया 2015 तक यहाँ पर है, ठीक है। और इसके पहले
इसके पहले मैंने आपको कहाँ तक करवाया था, इसके पहले मैंने आपको कराया था 2016 से 2020 तक। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो माई ऑल डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो माई ऑल स्टूडेंट्स। प्लीज वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ग्रुप में शेयर कर दिया करें, जब भी आप पढ़ा करें मेरे साथ शेयर किया करें और मेरे साथ अधिक से अधिक बच्चों को जोड़ने का प्रयास करें। क्लास खत्म होने के बाद 2 मिनट आप कमेंट कर दिया करें रुक करके, मान रहे हैं आपको बहुत जल्दी रहती है लेकिन कमेंट कर देंगे, क्योंकि हम लोग आपके लिए पहले तो PDF हम लोग बनाते हैं, PDF बनाने के बाद फिर उसमें आवाज़ देते हैं, फिर उसको सेट करते हैं, फिर उसको भरते हैं, पूरा लिखते हैं, फिर उसके बाद अपलोड करते हैं, अपलोड करने के बाद उस पर वो थंबनेल लगाते हैं, ठीक है। तो इतना वर्क करते हैं आपके लिए, तो आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब और एक शेयर तो ज़रूर बनता है ना हम अपने टीचर के लिए, तो ज़रूर प्लीज़ इतना सपोर्ट करें, अगर हो सके अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, आप सपोर्ट करें, ईश्वर आपका सपोर्ट करेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो ज़रा सा भी पसंद आया आपको, अगर मेहनत हमारी ज़रा सा भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, ठीक है, और शेयर कर दें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट नए चैप्टर से, नए उमंग, नए ऊर्जा, नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।